हेलो दोस्तों, आज आपको बिना लहसुन प्याज का आलू का सब्जी बनाने के लिए बता रहे हैं। ये 500 ग्राम आलू लिए हैं, इसे उबाल लिए थे, उसको छील लिए हैं और ये 2 मीडियम साइज का टमाटर छोटे टुकड़ों में काट लिए। आधा चम्मच चिकन की मसाला है, ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, ये 4 से 5 हरी मिर्च जो लंबा लंबा काट लिए हैं, ये गोटा मसाला है, जीरा, गोलकी और दालचीनी, लौंग और सूखन मिर्ची, और ये है 1 चम्मच गोलकी, जीरा, अदरक का पेस्ट है, स्वाद अनुसार नमक है 1.5 चम्मच। ठीक है, 2 चम्मच सरसों का तेल दिए, तेल गर्म हो गया, सारा मसाला गोटा डाल के चटकने दे रहे हैं। ये मसाला चटक गया गोटा, अब इसे टमाटर और सारा मसाला डाल के फ्राई कर लेते हैं। मसाला फ्राई हो गया है, 1 चम्मच दही डाल के फ्राई कर लेते हैं। आलू डाल के भी फ्राई कर ले रहे हैं। करेले के लिए 1 कटोरी पानी डाल रहे हैं, करेले अपना अनुसार से रख सकते हैं कम या ज्यादा। 5 मिनट तक पका लेते हैं। देखिए 5 मिनट हो गया है, आलू और टमाटर का बन तैयार हो गया। इस तरह से डोसा या पूरी के साथ खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसको धनिया पत्ता से गार्निश करते रहें।